अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम टू लिशी विद मोम। आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही मज़े की बच्चों और बड़ों की फेवरेट स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम की रेसिपी शेयर करूंगी। बहुत ही इंस्टेंट सी रेसिपी है ये और हम इसे विदाउट क्रीम बनाएंगे। यहाँ मैंने स्ट्रॉबेरीज ले ली हैं। आइसक्रीम बनाना स्टार्ट करते हैं। एक पैन लेंगे और उसमें 2 कप मिल्क ऐड कर देंगे। और इसके साथ हम इसमें 1/2 कप शुगर ऐड कर देंगे और इसे मिक्स करना शुरू कर देंगे कि शुगर इसमें अच्छे से डिज़ोल्व हो जाए। और जो मिल्क की क्वांटिटी है हमने उसे हाफ करना है। साथ साथ इसे हिलाते भी रहेंगे। और दूसरी तरफ हम स्ट्रॉबेरीज को कट कर लेते हैं। साथ ही अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो अभी लिशी विद मोम चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करना मत भूलें, क्योंकि इससे मेरी आने वाली हर वीडियोस पहले आप तक पहुंचेंगी। स्ट्रॉबेरीज कट है, तकरीबन 1 कप स्ट्रॉबेरीज ली हैं मैंने और यहाँ पे मिल्क को भी बॉयल आ गया है, लेकिन अभी भी हम लोग इसे हिलाते रहेंगे। हमने इसकी क्वान्टिटी को तकरीबन हाफ करना है। साइड से भी अच्छे से हिलाएंगे और उसके बाद हम इसमें मिल्क पाउडर ऐड करेंगे 3 टेबल स्पून, और मिल्क पाउडर भी ग्रेजुअली ऐड करेंगे ताकि कोई लम्स ना बने। थोड़ा थोड़ा करके डालते जाएंगे और साथ साथ इसे हिलाते जाएंगे। और जैसे ही इसकी क्वांटिटी हाफ रह जाएगी हम लोग फ्लेम ऑफ करेंगे और इसे ठंडा कर लेंगे। सारी चीज़ें रेडी हैं। इसके अलावा मैंने टूटी फ्रूटीज ली हैं और उनको ब्रीक कट कर लिया है। और अब एक जूसर ब्लेंडर ले लें या कोई जग ले लें। मैं इसे हैंड ब्लेंडर से कर रही हूँ, आप लोग इसे जग में भी कर सकते हैं। उसमें ये मिल्क जो मिक्सचर हमने रेडी किया था वो डाल देंगे और उसके अलावा स्ट्रॉबेरीज डाल के इसे अच्छे से ब्लेंड कर लेंगे। बहुत अच्छे से इसे ब्लेंड करना है हमने। दैट्स इट, अब हम इसे फिल्टर कर लेते हैं। फ़िल्टर करने के बहुत से फ़ायदे हैं। इससे ये आइसक्रीम बहुत ज़्यादा स्मूथ बनेगी, इसका टेक्सचर क्रीमी हो जाएगा और डिलीशियस तो ये होगी ही। तो स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम का जो बैटर है वो रेडी हो चुका है। अब हम इसे मोल्ड में शिफ्ट करते हैं। यहाँ मैंने एक स्क्वायर शेप का मोल्ड लिया है। आप लोग इसे किसी प्लास्टिक के कंटेनर में भी डाल के फ्रीज कर सकते हैं। और अब इसके ऊपर टूटी फ्रूटी स्प्रिंकल कर देंगे। और अब हम इसे कवर करेंगे फॉइल पेपर के साथ और इसे फ्रीजर में रख देंगे 6 से 8 आवर्स के लिए ताकि अच्छे से फ्रीज हो जाए। तो आइसक्रीम रेडी हो गई है, बहुत ही मज़े की बनी है और बहुत अच्छे से ये फ्रीज भी हो गई है। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। मज़ेदार सी स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम रेडी है और गर्मियों में आप लोग इसे बना के बहुत ही इंजॉय कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। आई होप कि आप लोगों को ये अच्छी लगी होगी। मज़ीद अच्छी अच्छी और रमज़ान स्पेशल रेसिपीज़ के लिए अभी लिशी विद मोम चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलें और मेरी वीडियोज़ को अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर दें। और यह है इसकी फाइनल लुक, और ये देखने में ही जितनी मज़ेदार लग रही है खाने में उससे भी ज़्यादा मज़ेदार है। टेक्सचर इसका फुल क्रीमी है। वेरी यमी। तो ये थी मेरी आज की रेसिपी। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। आप लोग भी अब स्ट्रॉबेरी आइसक्रीम घर पे बना सकते हैं विदाउट क्रीम और विदाउट कंडेंस मिल्क के। सो मैं मिलूंगी आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।